हेलो स्टूडेंट, वी आर एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 7, योर चैप्टर नंबर 1, मैथ्स बुक. ओके, नाउ स्टार्ट योर क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, अ बस रन्स 180 किलोमीटर इन वन डे, हाउ मच विल इट रन्स इन 6 डेज. जो एक बस है वो वन डे में कितने किलोमीटर रन करती है, मतलब चलती है 180 किलोमीटर, मतलब वन डे में वो कितने किलोमीटर रन कर रही है, 180 किलोमीटर. अब आपको फाइंड करना है कि वो 6 डेज में कितना रन करेगी. नाउ सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या सॉल्यूशन है गिवन दैट अ बस रन्स इन वन डे. सबसे पहले आप वन डे में कितना रन कर रही है ये राइट करेंगे. वो बस रन इन वन डे इक्वल टू कितना रन कर रही है, 180 किलोमीटर. हमने यहाँ क्या लिख दिया, राइट किया 180 किलोमीटर. ओके, नाउ अ बस रन्स इन 6 डेज, तो 6 डेज में कितना रन करेंगे, हमको किसका फाइंड करना है, 6 डेज का फाइंड करना है. तो अ बस रन इन 6 डेज, 6 डेज में कितना फाइंड करेगी. अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर क्या लिखा वन डे, तो डे के नीचे क्या आना चाहिए, डेज आना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आप किलोमीटर इधर लिख दें और डेज उधर लिख दें, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि अगर डे राइट कर रहे हैं तो डे के नीचे क्या है, डे. ओके, अ बस रन्स इन 6 डेज इक्वल टू 6 में 180 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो आप पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी राइट 180 किलोमीटर, फर्स्ट वी राइट 180 किलोमीटर मल्टीप्लाई 6, 6 में 180 में 6 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन. जब हम 180 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1080 किलोमीटर. आपको मल्टीप्लीकेशन तो आता होगा, अगर नहीं आता है तो आगे ग्राफ कॉलम ड्रॉ करना, उसमें 180 में 6 का मल्टीप्लाई करना. ओके, या 18 की टेबल, 18 सिक्सा कितने होते हैं, 108, 18 सिक्सा 108 टाइप करा और 0 लिख दिया. तो नाउ योर आंसर इज अ बस रन्स 1080 किलोमीटर इन 6 डेज. ओके, ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लें और आपकी कॉपीज में, नोटबुक में आपको इसको राइट करना है. नाउ उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ आपका.